Hello students, in this video we shall be studying components of peripheral neural system. The nerves which originate from the central nervous system and connect with either receptor or effector organ form the peripheral nervous system. So the nerves that originate from CNS and connect either the receptor or effector organs form peripheral neural system. बराबर. अब जो नर्व्स ब्रेन से अराइज होती है उन्हें क्रेनियल नर्व्स बोला जाएगा. बराबर. नर्व्स विच आइदर ओरिजिनेट, इसको थोड़ा डिटेल लेके चलते हैं, आइदर ओरिजिनेट और एंड इनटू ब्रेन आर क्रेनियल नर्व्स. आर क्रेनियल नर्व्स एंड the spinal nerves originate from spinal cord. Of which our first topic is of cranial nerves. Human peripheral nervous system shows the presence of 12 pairs of cranial nerves. These nerves are classified into three groups. They are either sensory, motor, or mixed. The cranial nerves are known by their number, Roman number, name and nature. Number, name and nature, इनसे हम लोग cranial nerves को जानते हैं. अब ये मोस्टली क्रेनियल रीजन से ओरिजिनेट हो रही है, यानी कहां से ओरिजिनेट हो रही है, तो दिस इज अ कंबाइंड डायग्राम, अ फुल डायग्राम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर जिसका दूसरा नाम है पैथेटिक, देन ट्राइजेमाइनल, एब्डसंस, फेशियल, वेस्टिबुलो कॉक्लियर यानी ऑडिटरी, देन ग्लॉसोफेरेंजियल, देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेगस, देन हाइपोग्लॉसल एंड स्पाइनल एसेसरी. स्पाइनल एसेसरी इज 11th एंड हाइपोग्लॉसल इज द 12th क्रेनियल नर्व. ऑल्फैक्टरी इज सेंसरी. बराबर. ऑप्टिक सेंसरी. क्लियर. ऑक्यूलोमोटर इज मोटर नर्व. बराबर. ट्रॉक्लियर इज ऑल्सो अ मोटर नर्व. वेयर एज ट्राइजेमाइनल इज द मिक्स्ड नर्व. बराबर. ट्राइजेमाइनल ये मिक्स्ड है. उसके बाद एब्डसंस इज मोटर,
facial nerve is also mixed. Vestibulocochlear is sensory. Barabar. Glossopharyngeal is mixed. Vagus is mixed. Hypoglossal and spinal accessory are motor in nature. Sensory nerve वो होती है जो towards the brain carry करेगी. Motor वो होती है जो away from the brain carry करेगी. और mixed वो होती है जो दोनों टाइप के फंक्शंस कैरी करती है. बोथ फंक्शंस बराबर, दैट इज टू एंड फ्रो द ब्रेन. ये इंपॉर्टेंट पार्ट है. वन बाय वन एक एक नर्व के फंक्शन को अब पढ़ते हैं. और अपना सबसे पहला जो नर्व है वो है ऑल्फैक्ट्री नर्व. बराबर, ऑल्फैक्ट्री नर्व ये कहां से ओरिजिनेट हुआ? तो दे अराइज फ्रॉम ऑल्फैक्ट्री एपिथेलियम ऑफ द नेजल चेंबर. बराबर, और वो कहां तक गए? तो दे मूव अप टू ऑल्फैक्ट्री बल्ब ऑफ ऑल्फैक्ट्री लोब. अब ऑल्फैक्ट्री बल्ब से ये नर्व फाइबर ऑल्फैक्ट्री ट्रैक्ट पहुंचे है और वहां से ये सारे ये फाइबर से ऑल्फैक्ट्री नर्व्स. बराबर, और अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा जाएगा ब्रेन के टेम्पोरल लोब तक. क्यों जाएगा? क्योंकि वो सेंस ऑफ स्मेल को लेके जा रहा है. बराबर, सो ऑल्फैक्ट्री एपिथेलियम ये जो यहां है, इस ऑल्फैक्ट्री एपिथेलियम से वो नर्व्स ऑल्फैक्ट्री बल्ब, ऑल्फैक्ट्री बल्ब से ऑल्फैक्ट्री ट्रैक्ट और अल्टीमेटली टू टेम्पोरल लोब तक गए. और उन्होंने क्या कैरी किया? तो इंपल्सेस ऑफ स्मेल. बराबर, इंपल्सेस ऑफ स्मेल कैरी किए गए कहां से? इंपल्सेस ऑफ स्मेल फ्रॉम ऑल्फैक्ट्री एपिथेलियम टू द ब्रेन. द सेकंड पर्टिकुलर नर्व, the second nerve in this cranial type is the optic nerve. बराबर, optic यानि related to vision यानि eye. बराबर, optic nerve fiber जो है वो कहां से originate हुई? Originate from retina. बराबर, originate from retina of eye. रेटिना ऑफ आई से ओरिजिनेट हुई है और वो कंबाइन होकर ऑप्टिक नर्व बना रहे. दोनों ऑप्टिक नर्व यानी ये एक आई, इधर ये दूसरा आई. बराबर, यहां से भी ये नर्व आई, ये दोनों कंबाइन हुई और कंबाइन होकर ये कहां कंबाइन हुई? डायनसेफेलॉन के फ्लोर पे. ये डायनसेफेलॉन पार्ट है, वहां पे ये कंबाइन हुई, मीट हुई एक दूसरे को और क्रॉस किया उन्होंने, फॉर्मिंग एन एक शेप स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज ऑप्टिक कियास्मा. उसको बोलेंगे ऑप्टिक कियास्मा. स्मॉल पोर्शन ऑफ फाइबर्स जो है वो क्रॉस होता है ऑप्टिक कियास्मा में और बाकी के मोस्ट ऑफ देम जो है वो ब्लेंड होकर सेम साइड ऑफ द ब्रेन पे चले जाते हैं. अब सेम साइड ऑफ द ब्रेन पे चले गए यानी कहां गए? तो जहां विजन का सेंटर है, और वो विजन का सेंटर कहां है? ऑक्सीपिटल लोब के पास है. बराबर, तो ये भी सेंसरी नर्व ही और वो क्या कर रही है? इट कैरीज इंपल्सेस ऑफ साइट. इंपल्सेस ऑफ साइट को कैरी कर रही है कहां से कहां तक? फ्रॉम रेटिना टू ब्रेन. ये बात याद रहे. बट जब मैं तीसरे नर्व पे आता हूं, मेरा तीसरा नर्व जो है वो है ऑक्यूलोमोटर. यहां मैं दो तीन पर्टिकुलर टाइप की चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूं. ऑक्यूलोमोटर जो है
उसका मीनिंग क्या है? ऑक्यूलो मोटर का मीनिंग होता है आई मूवर, बराबर, जो आंखों को घुमाएगा। अब ये क्या कर रहा है? इट सप्लाइज फोर ऑफ द सिक्स आई मसल्स। छह आई मसल्स होती है, उनमें से चार को ये इनर्वेट करती है। और ये कहां से निकल रही है? तो ये फ्लोअर ऑफ मिड ब्रेन से निकलती है। फ्लोअर ऑफ मिड ब्रेन, मिड ब्रेन में था ऑप्टिक क्वाड्रिजेमिना, ये याद रहे। फ्लोअर ऑफ मिड ब्रेन से ये निकलती है और चार आई मसल्स को ये इनर्वेट कर रही है। कौन सी? तो इंफीरियर ऑब्लिक, इनको हम लोग ना हाईलाइट करते हैं। इंफीरियर ऑब्लिक को इनर्वेट कर रही है, सुपीरियर रेक्टस को इनर्वेट कर रही है, उसके साथ साथ इंफीरियर रेक्टस को इनर्वेट कर रही है और मीडियल रेक्टस को इनर्वेट कर रही है, जो आईबॉल को ऑर्बिट में मूव करने के लिए हेल्प कर रही है, बराबर। आईबॉल की जो मूवमेंट होती है ऊपर नीचे दाएं बाएं, उसके लिए ऑक्यूलोमोटर काम करता है और ये ब्रेन से इंपल्सेस कैरी कर रही है। लिसन, ये मोटर नेचर है, यानी ऑर्गन के तरफ जाएगी, ब्रेन टू ऑर्गन जा रही है, बराबर, टाइम लगा चलता है, पूरा पढ़ो। ब्रेन टू ऑर्गन जा रही है और ब्रेन टू ऑर्गन जा रही है तो इंपल्सेस भी कहां से जा रहे? इंपल्सेस कैरीड फ्रॉम ब्रेन टू मसल्स, ब्रेन टू आई मसल्स, बराबर, जो उसकी मूवमेंट करवाएंगे। किसकी मूवमेंट करवाएंगे? तो मूवमेंट ऑफ आईबॉल को ये रेगुलेट कर रहे हैं, ये बात समझना जरूरी है। अनादर इंपॉर्टेंट नर्व, द नेम इज ट्रॉक्लियर, बराबर। ट्रॉक्लियर का दूसरा नाम था पैथेटिक। ये जो पर्टिकुलर नर्व है, इसका नेचर भी मोटर है। मोटर नर्व है, ब्रेन से ऑर्गन के तरफ इंपल्सेस कैरी करने वाली है, बराबर। ट्रॉक्लिया इज द मेन वर्ड और ट्रॉक्लिया को बोला जाएगा पुली, बराबर। ट्रॉक्लिया को बोलते हैं पुली क्योंकि ये क्या कर रही है? एक्सट्रिंसिक मसल को कंट्रोल कर रही है। अब एक्सट्रिंसिक मसल हम लोगों को कहां मिलेगी? तो ये याद रखो कि इट इनर्वेट्स एक्सट्रिंसिक आई मसल्स दैट लूप्स अ पुली शेप लिगामेंट इन द ऑर्बिट। एक डायग्राम है अपने पास, बराबर। यहां वो पुली शेप को कंट्रोल कर रही है। अब ये पुली शेप कहां आएगा? तो ये है पुली शेप, इधर इस टाइप से इसे वो इनर्वेट करेगी, बराबर। ट्रॉक्लियर नर्व इज द थीनेस्ट एंड स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व, ये बात याद रहे। दिस इज द थीनेस्ट वन, थीनेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं। थीनेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नर्व ऑफ द क्रेनियल नर्व्स, बराबर। और वो भी ओरिजिनेट कहां से हो रही है? ओरिजिनेट्स फ्रॉम, एज यू कैन सी, फ्लोअर ऑफ मिड ब्रेन। मिड ब्रेन से ओरिजिनेट हो रही है और वहां से ये जा रही है इधर, बराबर। और उसने किसे इनर्वेट किया? तो सुपीरियर ऑब्लिक आई मसल। अब सुपीरियर ऑब्लिक आई मसल ये डायग्राम में है, दिस इज सुपीरियर ऑब्लिक आई मसल, इसको इनर्वेट किया, बराबर। और ये भी क्या करेगी? तो मूवमेंट ऑफ आई बॉल को कंट्रोल कर रही है। फंक्शन वही, आई के पीछे दो तीन नर्व लगी हुई है। मूवमेंट ऑफ आईबॉल इज द रेगुलेशन और फंक्शन रेगुलेटेड, बराबर। बट व्हेन इट कम्स टू अनादर इंपॉर्टेंट नर्व, दैट इज द फिफ्थ नर्व, दैट इज ट्राइजेमाइनल। ट्राई यानी तीन, जेमिनी यानी पेयर, बराबर। ट्राइजेमाइनल नर्व में तीन अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स के पेयर्स है। सबसे पहला ये पॉइंट याद रहे कि दिस इज द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व, वो स्मॉलेस्ट थी, ये लार्जेस्ट है, बराबर। अब ये कहां से आ रही? तो अराइजेस फ्रॉम, इट अराइजेस फ्रॉम वेंट्रल सरफेस ऑफ पॉन्स वैरोली।
वेंट्रल सरफेस ऑफ पॉन्स वेरोली जो है वहां से ये ओरिजिनेट हुई, बराबर। और उसमें ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन और गैसेरियन गैंग्लियन जो है वो हमें मिलेगा। अब गैसेरियन गैंग्लियन से ये नर्व तीन ब्रांचेस में जाती है। एक है ऑप्थेल्मिक नर्व जो ऑप्थेल्मिक रीजन के तरफ गई, बराबर। ऑप्थेल्मिक रीजन के तरफ गई यानी ये जो पूरा ग्रीन कलर का जोन आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसके ऊपर इसका इनर्वेशन है ग्रीन कलर के जोन पे, बराबर। ये पर्टिकुलर ऑप्थेल्मिक नर्व जो यहां है इसको कौन रेगुलेट कर रहा, तो ऑप्थेल्मिक जोन के तरफ जाने वाली नर्व, ये ऑप्थेल्मिक नर्व है जो स्मॉलेस्ट ब्रांच है इसकी, इसकी स्मॉलेस्ट ब्रांच है, बराबर। और इसका फंक्शन क्या है, तो ये लैक्रिमल ग्लैंड किसे कंट्रोल करता है, किसे इनर्वेट करता है, तो कंट्रोल या इनर्वेट लैक्रिमल ग्लैंड, आंखों से पानी, बराबर। उसके बाद क्या, तो कंजक्टिवा ऑफ द आई जिसे हम लोग बोलते हैं डोड़े येणे, बराबर, कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवा मेम्ब्रेन जो है आई की उसे इनर्वेट करेगा। उसके बाद में आप देख रहे हो डायग्राम में फोरहेड, बराबर, आईलीड, इन सब के मूवमेंट में, इन सब के ऊपर इसका कंट्रोल है और वो सेंसरी नेचर में, और इसलिए वो ब्रेन के तरफ जाएगी, बराबर। ऑप्थेल्मिक नर्व यहाँ जो है वो सेंसरी नेचर की है और वो इम्पल्सेस ब्रेन के तरफ कैरी करती है। इसका जो दूसरा रीजन है, दूसरा जो ब्रांच है वो है मैक्सिलरी जोन के तरफ जाने वाला। अब मैक्सिलरी जोन के तरफ जाने वाला ये यानी ये पूरा पार्ट हो गया जिसे अभी मैंने शेडेड किया, ये जो है ये किसे इनर्वेट कर रही, तो यहाँ इसकी ब्रांच कौन सी है, मैं नंबर दो की बात कर रहा हूँ, ऑप्थेल्मिक नंबर वन था, बराबर। मैक्सिलरी नर्व ये इसका दूसरा कंपोनेंट है और मैक्सिलरी नर्व ये किसे इनर्वेट कर रही है, ये किसे कंट्रोल कर रही है, तो चीक्स, गाल, अपर गम्स, चीक्स, अपर गम्स, बराबर। उसके बाद में अपर टीथ, लोअर आईलीड्स, इन सब के ऊपर इसका इनर्वेशन है और ये भी सेंसरी है, ये भी सेंसरी है यानी ब्रेन के तरफ लेके जाएगी। बट इन सब का जो सबसे बड़ा ब्रांच है उसका नाम क्या, लार्जेस्ट इसमें वो है मैंडिबुलर नर्व, बराबर। मैंडिबुलर नर्व ये नीले कलर के पार्ट को जो इनर्वेट कर रही है यानी मैंडिबुलर जोन को वो इनर्वेट कर रही है, बराबर। ये सेंसरी और मोटर दोनों टाइप के फाइबर से बनी है और इसलिए ये मिक्स्ड हो गई। अब ये जो मैंडिबुलर नर्व है वो लार्जेस्ट ब्रांच होगी और ये टीथ एंड गम ऑफ लोअर जॉ, बराबर, टीथ एंड गम ऑफ लोअर जॉ क्योंकि मैंडिबुलर नाम है। उसके साथ साथ ये किसे इनर्वेट करती है, पीना, एक्सटर्नल ईयर, पीनी को इनर्वेट करेगी। उसके बाद में लोअर लिप एंड टंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, टंग, इन सबको वो इनर्वेट करेगी और टू एंड फ्रो द ब्रेन ऐसा काम करेगी। ट्राइजेमाइनल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्व्स। अब पांच नर्व्स, फाइव क्रेनियल नर्व्स आर ओवर, नाउ कम टू सिक्स्थ क्रेनियल नर्व, बराबर। सिक्स्थ क्रेनियल नर्व का नाम क्या है, दैट सिक्स्थ क्रेनियल नर्व इज एब्डसन्स नर्व, बराबर। इस एब्डसन्स नर्व का नाम ऐसे क्यों है, तो ये जो नर्व है वो क्या कर रही है, इट कंट्रोल्स द एक्सट्रिंसिक आई मसल, एक्सट्रिंसिक आई मसल को कंट्रोल करती है जो आईबॉल को, ये हमारा आईबॉल है, बराबर, ये आईबॉल को रोटेट करती है कौन से डायरेक्शन में, लैटरली, आईबॉल ये लैटरली मूव करेगी और लैटरल मूवमेंट को बोला है
एब्डक्ट्स, एब्डक्ट्स का मतलब होता है टू मूव लैटरली, और इसलिए इसका नाम एब्डक्शंस। कहां से ओरिजिनेट हुई, डायग्राम आपको दिखता है, और ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉन्स, पॉन्स से ओरिजिनेट हुई, और किसे इनर्वेट किया, तो लैटरल रेक्टस मसल को इसने इनर्वेट किया है, ये वाला मसल, और इसे इनर्वेट किया, मोटर नर्व और आईबॉल को कंट्रोल करती है, नेचर मोटर यानी ब्रेन से इंपल्स आएगा ऑर्गन के तरफ। अनादर इंपॉर्टेंट नर्व इज द फेशियल नर्व, नंबर 7, फेशियल नर्व। अब ये जो पर्टिकुलर टाइप का फेशियल नर्व है वो कहां से निकला, तो लोअर पार्ट ऑफ द पॉन्स वैरोली से निकला है, लोअर पार्ट ऑफ द पॉन्स वैरोली से ये ओरिजिनेट हुआ, और उसमें हमें जेनिक्युलेट गैंग्लियन का प्रेजेंस मिलता है, ये है जेनिक्युलेट गैंग्लियन, क्लियर। और वो क्या कर रही है, तो वो टंग के टेस्ट बर्ड को इनर्वेट करती है, मैं यहां लिखता हूं टेस्ट बर्ड ऑफ टंग को इसने इनर्वेट किया, उसके बाद फेस के जितने मसल्स है उन सब को इनर्वेट करेगी, ये सारे फेस के मसल्स है यहां जो दिख रहे हैं आपको, इन सब के ऊपर इनर्वेशन इस पर्टिकुलर नर्व का है, बराबर। इतना ही नहीं तो सलाइवरी ग्लैंड्स का इनर्वेशन या कंट्रोल भी फेशियल नर्व के तरफ है, और ऐसा नर्व फेशियल नर्व इज मिक्स्ड इन नेचर, बराबर। वो इंपल्सेस कन्वे कर रही टेस्ट बर्ड से, और फेशियल एक्सप्रेशन को भी रेगुलेट करती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अनादर इंपॉर्टेंट नर्व विच इज सेंसरी इन नेचर, द नेम इज गिवन वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, नंबर 8, सेंसरी, जिसका नाम है ऑडिटरी नर्व, बराबर। इसको हम लोग टर्म देते हैं ऑडिटरी नर्व। अब ये जो ऑडिटरी नर्व है वो कहां से आ रही, वो आ रही है इंटरनल ईयर से, कम्स फ्रॉम इंटरनल ईयर, इंटरनल ईयर से आ रही और ब्रेन के तरफ जा रही है, और इसलिए उसका नेचर हो जाएगा सेंसरी, बराबर। मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इंटरनल ईयर का, वहां से होकर ये आएगी और पॉन्स वैरोली के साइड पे जॉइन होगी, ये पॉन्स से यहां वहां जॉइन होगी, बराबर। ये कॉक्लियर पार्ट हुआ और ये वेस्टिबुलर पार्ट हुआ, क्लियर। अब ये वेस्टिबुलर गैंग्लिया, ये वेस्टिबुलर नर्व, और यहां से जो आई वो कॉक्लियर नर्व, दोनों जुड़ गई तो बनी वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व। मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के स्ट्रक्चर से ओरिजिनेट होकर वेस्टिबुलर नर्व आती है। मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ में क्या है, ये पार्ट है देखो, बराबर, ये वेस्टिब्यूल है, तो यहां क्या मिलेगा, यूट्रिकल है, सेक्युलर और सेमी सर्कुलर कैनाल से हम लोग पढ़ने वाले ये, बराबर। और कॉक्लिया ये जो पार्ट है, इस कॉक्लिया से आने वाली ब्रांच भी रहेगी, वो भी सेंसरी। सो वेस्टिब्यूल से आई हुई वेस्टिबुलर ब्रांच, अब वेस्टिबुलर नर्व क्या कंट्रोल करती है, वेस्टिबुलर नाम लिख डालते हैं, वेस्टिबुलर नर्व का काम होता है बॉडी का इक्विलिब्रियम मेंटेन करना, बराबर। और जो कॉक्लिया से आने वाली नर्व है या कॉक्लियर नर्व जो है, इट इज कंसर्न विथ हियरिंग, और इसलिए इक्विलिब्रियम प्लस हियरिंग इन दोनों को लेकर इनर्वेट होने वाली जो नर्व है वो वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व है। नंबर नाइन इज ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व, कहां से ओरिजिनेट हुई,
आप डायग्राम देख सकते हो, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ये पॉन्स का रीजन है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है, और यहां से ये नर्व ओरिजिनेट होकर आई ऐसी, बराबर। अब ये क्या क्या इनर्वेट कर रही, ये टेस्ट बर्ड को इनर्वेट कर रही है, टेस्ट बर्ड के साथ साथ वो सॉफ्ट पैलेट को, ये सॉफ्ट पैलेट, बराबर, सॉफ्ट पैलेट को इनर्वेट कर रही है। सॉफ्ट पैलेट के बाद फैरिंग्स, टेस्ट बर्ड, बराबर, उसके साथ टंग, मसल्स ऑफ फैरिंग्स, इन सब के ऊपर इसका कंट्रोल है, बराबर। मिक्स नर्व है ये, दिस इज अ मिक्स नर्व, टू एंड फ्रो काम कर रही है, बराबर। सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, फंक्शन क्या है, क्या कंट्रोल करना है इसे, इसे क्या क्या कंट्रोल करना है। नंबर वन, सिक्रीशन ऑफ सलाइवा को कंट्रोल करना है। उसके बाद में सेंस ऑफ टेस्ट को रेगुलेट करना है। उसके बाद में मूवमेंट ऑफ फैरिंग्स जो है उसे भी रेगुलेट करना है। ग्लॉसोफेरिंजियल के बाद सबसे इंपॉर्टेंट नर्व आती है और वो है वेगस, वेगा, ऐसा मेन वर्ड आएगा, वेगा, वंडरिंग नर्व ऐसे इसे बोला जाता है, वेगा का मतलब होता है वंडरर, बराबर। तो वंडरर, जैसे वैगाबॉन्ड ये टर्म हुआ करती थी अर्ली 70s 60s में, जो घर से ऐसे ही निकलते थे नाइट आउट वाले, उनको वैगाबॉन्ड बोलते थे, और हिप्पी टाइप कटिंग रखते थे, अजीब किस्म के लोग होते थे, उनको वॉन्डरर्स बोलते, वैगाबॉन्ड बोलते, बराबर। तो ये वॉन्डरर क्यों बोला गया इसको, अब ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, देखो ये जो पर्टिकुलर क्रेनियल नर्व है ये अकेली ऐसी है जो बियॉन्ड नेक गई है, नेक एंड हेड, बराबर, हेड और नेक इनके आगे निकल गई है, वो कहां तक पहुंची, रीचेस टू थोरैक्स एंड एब्डोमन, बराबर, थोरैक्स और एब्डोमन तक ये पर्टिकुलर नर्व पहुंची घूमते घूमते, इसलिए तो वैगा वांडरर, एंड इट इज द लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व, मिक्स्ड इन नेचर, बराबर, लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व है, मिक्स्ड इन नेचर है, टू एंड फ्रो काम करेगी, विसरल ऑर्गन्स के ऊपर इसका प्लेक्सस है, विसरल ऑर्गन्स के फंक्शनिंग को कैरी, कंडक्ट करती है, कंट्रोल करती है, बराबर, क्लियर। अब यहां वेगस गैंग्लियन भी हम लोगों को मिलेंगे, मेडुला ऑब्लोंगेटा से ओरिजिनेट हुई है ये, मेडुला ऑब्लोंगेटा से ओरिजिनेट होकर ये निकली है, इसी जाते जाते इसने लैरिंग्स जो है उसको भी इनर्वेट किया, टूअल स्ट्रक किया गई, लैरिंजियल नर्व का पार्ट जो है वो यहाँ आया, एओर्टिक आर्ट के ऊपर, यानी हार्ट के ऊपर भी इसका कंट्रोल है, लैरिंग्स, फैरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, लंग्स, हार्ट, इंटेस्टाइन, इन सभी को उसने कंट्रोल किया, विसरल सेंसेशन, विसरल मूवमेंट, पेरिस्टाल्सिस, साउंड प्रोडक्शन, हार्ट बीट, रेस्पिरेटरी मूवमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को रेगुलेट करने वाला नर्व कोई है तो वो वेगस है। अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, क्रेनियल नर्व नंबर 11, स्पाइनल एसेसरी, ओरिजिन कहां से, मेडुला ऑब्लोंगेटा से, और कौन से मसल्स को इनर्वेट कर रही है, ये बाकी सभी नर्व से अलग है, बराबर, क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों से ओरिजिनेट होने वाली है, हमने भले ही लिखा हो मेडुला लेकिन ये ब्रेन से भी ओरिजिनेट हुई और स्पाइनल कॉर्ड से भी ओरिजिनेट हुई और इसलिए ये अलग टाइप की नर्व है। क्रेनियल और स्पाइनल रूट के जॉइन होने से ये बनती है, ये बात याद रहे, क्रेनियल एंड स्पाइनल रूट्स join together to form this nerve, बराबर। function क्या है, motor nerve है, क्या काम करती है, pharynx की muscles, larynx की muscles, neck and shoulder,
इनके मसल को इनर्वेट करेगी। किसके मसल को इनर्वेट करेगी? फैरिंग्स, उसके बाद कौन? लैरिंग्स, उसके बाद कौन? नेक, फाइनली कौन? शोल्डर। इन सबको इनर्वेट करेगी, इन सबके मसल को वो कंट्रोल कर रही है। अब इनके मसल्स को अगर वो कंट्रोल कर रही है तो इंटर्न जो वो उसके मूवमेंट को भी तो कंट्रोल करेगी। बराबर, कौन सा टाइप की नर्व है? कौन सा टाइप की नर्व है? मोटर। बराबर, नंबर 12, नर्व नंबर 12। नर्व नंबर 12 का नाम क्या है? यहां लिखा हुआ है हाइपोग्लॉसल। हाइपोग्लॉसल नर्व ओरिजिनेट्स फ्रॉम वेंट्रल साइड ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब हम लोग वेंट्रल साइड वगैरह को छोड़ देंगे, डायरेक्ट लिखेंगे कि वो मेडुला ऑब्लोंगेटा के सामने के पार्ट से, ऑब्लोंगेटा से ओरिजिनेट हो रही है। बराबर, और ये मसल्स इनर्वेट कर रही। मसल्स किसके? तो मसल्स ऑफ टंग एंड हायोइड एपरेटस। हायोइड बोन पढ़ाया था रेस्पिरेशन में, हायोइड एपरेटस को ये इनर्वेट करती है। और फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन है मूवमेंट ऑफ टंग। हमने क्या सीखा? टंग और आई पे सबसे ज्यादा इनर्वेट होने वाली मसल्स नर्व्स है, और ये सारी नर्व्स क्रेनियल नर्व्स तीन टाइप की है। इन सभी नर्व्स के साथ मुझे यहां स्पाइनल नर्व भी मिलती है। स्पाइनल नर्व्स ओरिजिनेट फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। On both sides. कल के वीडियो में था। बराबर, All spinal nerves are mixed in nature. क्यों है ये बताने वाला हूं। Mixed in nature. और वो spinal reflexes को control करती है। There are total 31 pairs of spinal nerves in our body. There are total 31 pairs of spinal nerves, ये याद रहे। बराबर, अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? तो सर्वाइकल रीजन में 8 pairs. बराबर, थोरैसिक रीजन में 12 pairs है। थोरैसिक के बाद आता है लंबर रीजन। लंबर रीजन में हमें 5 pairs मिलती है। बराबर, उसके बाद आता है सैक्रल रीजन, उसमें भी 5 pairs है। टोटल हो गए 30। और जो कॉसिक्स या कॉकिक्स जिसे बोला जाता है, उस कॉक्सीजियल रीजन को इनर्वेट करने वाली 1 pair है। इस तरीके से टोटल 31 pairs ऑफ स्पाइनल नर्व जो है वो हम लोग यहां लेने वाले हैं। बराबर, अब यहां हम लोग जब स्पाइनल नर्व का स्ट्रक्चर रिवील करते हैं तो देखो, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड, उसको मैं शेडेड रीजन में दिखा रहा हूं। ये सारा स्पाइनल कॉर्ड का रीजन है जिसका इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोगों ने इसके पहले के वीडियो में पढ़ा हुआ है। बराबर, अब सब लोगों ने, जिन्होंने देखा है, सब लोगों ने यानी जिन्होंने देखा है, पढ़ने की कोशिश की है, उनको पता है कि इनर पार्ट जो है वो उसका एच शेप्ड या बटरफ्लाई शेप्ड ग्रे मैटर है ये, और उसके सराउंडिंग में जो कुछ है वो उसका व्हाइट मैटर है इन द फॉर्म ऑफ 3 columns, और यहाँ उसका सेंट्रल कैनाल है। डॉर्सल हॉर्न एक्सटेंड्स इन द फॉर्म ऑफ डॉर्सल रूट इन द वेरी सिमिलर मैनर। वेंट्रल हॉर्न एक्सटेंड्स इन द फॉर्म ऑफ वेंट्रल रूट। बराबर, उसको दोनों टाइप के नर्व फाइबर्स मिले, ये बात याद रहे। डॉर्सल रूट में जो नर्व गई है वो सेंसरी इन नेचर है। और वेंट्रल रूट से जो है
वो मोटर नर्व फाइबर्स है। बोथ दीज प्रोजेक्शंस मूव फर्दर बट द डॉर्सल रूट इन बिटवीन शोज डॉर्सल रूट गैंग्लियन एंड दिस डॉर्सल रूट गैंग्लियन शोज प्रेजेंस ऑफ सिनेप्स। बराबर, वेंट्रल रूट और डॉर्सल रूट दोनों आगे आकर यूनाइट हुए और वो नर्व इमर्ज आउट हुई इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से, और उस जगह से ओरिजिनेट होकर जब वो सिंगल स्ट्रक्चर बन के आई तब वो बनी स्पाइनल नर्व। और इस स्पाइनल नर्व का नेचर इस वजह से मिक्स्ड हुआ क्योंकि ये सेंसरी और ये मोटर यहां यूनाइट हुए। इस स्पाइनल नर्व ने तीन प्रोजेक्शंस बनाए, तीन ब्रांचेस की। एक रैमस, रैमस का मतलब होता है प्रोजेक्शन, रैमस डोर्सेलिस जो बॉडी के डोर्सल साइड पे जाएगा उसे इनर्वेट करेगा। एक जो है उसका नाम है रैमस वेंट्रलिस या लैटरलिस, जो क्या कर रहा है, जो बॉडी के लैटरल्स को और वेंट्रल साइड को इनर्वेट करेगा। और तीसरा जो है उसका नाम क्या है, उसका नाम है रैमस कम्युनिकंस, वो कम्युनिकेट करता है किसके साथ, विद द सिंपैथेटिक गैंग्लियन, और ये जाता है यहां से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की तरफ। इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से आने के बाद ये ब्रांचेस निकली है, रैमस डोर्सालिस, रैमस वेंट्रलिस, रैमस कम्युनिकंस। इन स्पाइनल नर्व का फंक्शन क्या है, तो स्पाइनल रिफ्लेक्सेस को गवर्न करना, स्पाइनल रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करना। विद दिस, दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर्स। हम लोग इस वीडियो में रिफ्लेक्स आर्क नहीं ले रहे हैं, उसका सेपरेट वीडियो बनेगा, बराबर, क्योंकि वो बहुत लंबा हो जा रहा है और वैसे भी रिफ्लेक्स आर्क इस साल के एग्जाम में नहीं है, बराबर। हम लोग पूरा ही पढ़ेंगे, जो एग्जाम में नहीं है उसका पेज एक दिन एक वीडियो में हम लोग डाल देंगे। सिलेबस क्या क्या नहीं है इसका एक वीडियो बना के डाल दिया जाएगा, पूरा पढ़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिफ्लेक्स आर्क और उसका मैकेनिज्म, इसका हम लोग अलग से वीडियो डालेंगे। थैंक यू।